वेलकम स्टूडेंट, लॉकडाउन की पाठशाला जीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन कुमार, पीजीटी फिजिक्स फ्रॉम प्लस टू हाई स्कूल डीमरा। हमारा आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सरफेस के ऊपर मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है तो दोनों के सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट पर एक अपोजिंग फोर्स एक्ट होता है जिसे हम फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि इस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम चेंज कर दे रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों के सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में होगा। यहाँ पे देख रहे हैं सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में लग रहा है, मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट्स द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन एज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होती हैं तो दोनों के जो पार्टिकल्स हैं सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं। इस कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट होगा, जो कॉन्टैक्ट सरफेस पर नॉर्मल होगा, उसे नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और जो कंपोनेंट कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल होगा उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये इस सरफेस में ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन के अलोंग है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसे हम नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और सरफेस के अलोंग कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो फोर्स है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन हैज येट नॉट स्टार्टेड, इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। वैसा अपोजिंग फोर्स जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर मूव करने की चेष्टा करे लेकिन वास्तव गति जो है अभी भी स्टार्ट नहीं, उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर अप्लाइड फोर्स पी है और वस्तु जो है उसमें अभी भी गति नहीं हो रही, वो रेस्ट में है, तो उस स्थिति में ये जो एफ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पी के बराबर होगा। यदि वस्तु रेस्ट में है और उसमें कोई भी पुलिंग फोर्स भी नहीं लग रहा है, उस स्थिति में स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा। मीन्स कहने का है कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का विमान बढ़ते जाएगा, अर्थात फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, बिकॉज इट चेंज इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड फोर्स एंड इज ऑलवेज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। If the applied force exceeds a certain limit, certain value, the body starts moving. एक वैल्यू के बाद जब हम ये अप्लाइड फोर्स का मान बढ़ाते हैं एक सर्टेन लिमिट के बाद बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच द बॉडी डज नॉट मूव इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वह मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक वस्तु में गति न हो उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। दो वस्तुओं जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वह नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एफ एल इज प्रोपोर्शनल टू आर, मीन्स एफ एल इक्वल टू म्यू एस इन टू आर, योर म्यू एस इज ए कॉन्स्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच वन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा
वस्तु की दिशा के विपरीत होता है। कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का अनुपात होता है। काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड फर्दर एंड सेट द बॉडी इन मोशन, द फ्रिक्शन अपोजिंग द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का मान बढ़ाते जाएं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी आगे बढ़ें, तो एक ऐसा भी स्थिति आता है कि वस्तु में गति है, वो गति में आ जाता है, तो उस स्थिति में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, ये भी नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, मीन्स एफ के इज प्रोपोर्शनल टू आर, एफ के इक्वल टू म्यू के इनटू आर, या म्यू के स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वैल्यू ऑफ म्यू के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, जो सरफेस में जो संपर्क हो रहा है उस सरफेस के नेचर पे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का मान निर्भर करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का मान लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, मीन्स एफ के इज लेस देन एफ एल, देयरफॉर म्यू के इज लेस देन म्यू एस, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले वन व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वह अपोजिंग फोर्स जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर स्लाइड करे, उस स्थिति में अपोजिंग फोर्स को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ए फ्लैट बुक इज मूविंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सरफेस के ऊपर रोल करे, जैसे गेंद गेंद की गति, तो उस स्थिति में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। जब उदाहरण देख रहे हैं, जैसे ये चक्के या रिंग की जो गति है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही दो वस्तु एक दूसरे में चिपक पाते हैं, फ्रिक्शन के वजह से ही गाड़ियों का जो ब्रेक होता है वो कार्य करता है, फ्रिक्शन की वजह से ही हम लिख पाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा दो वस्तुओं के रिलेटिव मोशन का विरोध करते हैं, अर्थात हमेशा इस फ्रिक्शन से ओवरकम पाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है, जिससे मशीन का जो है इफिशेंसी घट जाता है। फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टीयर ऑफ द पार्ट्स ऑफ मशीनरी इन कॉन्टैक्ट, मशीनरी पार्ट की जो सरफेस, सॉरी मशीनरी पार्ट जो कॉन्टैक्ट में आते हैं संपर्क में, फ्रिक्शन की वजह से वे घिस जाते हैं, दस देयर लाइफ टाइम रिड्यूसेस। फ्रिक्शनल फोर्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट विच कॉजेज डैमेज टू मशीनरी, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मशीनरी पार्ट्स गर्म हो जाते हैं जिसके कारण वे डैमेज होते हैं। मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय पॉलिशिंग, बाय लुब्रिकेशन, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप ऑफ द बॉडी, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। हम लोग सरफेस जो संपर्क में आते हैं जो मशीनरी पार्ट्स, उन्हें पॉलिश करके, लुब्रिकेशन मीन्स उसमें ग्रीस या ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, अच्छे मटेरियल का प्रयोग करके, या उसके शेप को स्ट्रीमलाइन से भी, खास शेप होता है जिसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, या फिर बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो कोण बनाएगा उस कोण को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं ये नॉर्मल रिएक्शन और ये जो फ्रिक्शनल है, इस फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का रिजल्टेंट एस जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो कोण बना रहा है इसे ही हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। टैन थीटा इक्वल टू एफ एल अपॉन आर,
therefore tan theta equal to mu s, because FL upon R equal to mu s, coefficient of static friction, or theta equal to tan inverse mu s, hence coefficient of static friction is equal to tangent of the angle of friction. Angle of repose, वह एंगल जिस पर इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ वह एंगल जिस पर उस प्लेन पर रखा वस्तु जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं।